अगर आप लॉन या कॉटन की प्लेन कुर्ती बनाना चाहते हैं कैजुअल यूज़ के लिए, तो उसके लिए आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने साइड में से जो शर्ट के बॉर्डर निकलता है उसका इस्तेमाल किया है। गले का साइज़ मैंने इसकी चौड़ाई 8 इंच रखी है और गहराई 7.5 इंच रखी है, और ये 1.5 इंच का मैंने इसमें छोटा सा वी बनाया क्योंकि इसी के ऊपर जो है मैं बॉर्डर पट्टी लगाऊंगा। बॉर्डर पट्टी मतलब जो साइड से शर्ट के प्रिंट बना हुआ था बॉर्डर का, उसमें से कोई भी एक खूबसूरत सी आप पट्टी सिलेक्ट करें और उसको प्रेस से दोनों तरफ से फोल्ड करके आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये गला बन चुका है। इसके बाद ये जो वी है इसके ऊपर मैंने एक सिलाई लगा दी है। इसके बाद मैं आपको ये पट्टी लगाने का तरीका बताऊंगा। पहले आपने राइट साइड पे रखना है इसको और नीचे की तरफ से शुरू करना है और एक किनारे की सिलाई से इसको अटैच करना है और ऊपर की तरफ से आपने 1.5 इंच बढ़ता हुआ रखना है। ये गले की बैक साइड पर इस तरह रख के आपने सिलाई लगानी है, तो बैक साइड से भी आपकी जो पट्टी है वो छुप जाएगी और दूसरी तरफ आपने इस तरह लगानी है। देखिए, अस्सलामु अलैकुम मेरे खूबसूरत बहनों और प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप न्यू फैशन आइडियाज़, कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि इस तरह की तमाम वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सकें। तो ये देखिए, मैंने पट्टी लगा दी है और एक ही सिलाई से जो है वो दोनों तरफ सिलाई लग जाएगी। तो ये देखिए कम्प्लीट हो चुका है ये गला। तो ये लुक आएगा आपका गला बनने के बाद। और इसके बाद ये इसका बैक का गला है, इसकी भी चौड़ाई मैंने सेम रखी है जैसे फ्रंट के गले की रखी है। 8 इंच मैंने फ्रंट रखा है तो बैक की भी मैं 8 इंच ही रखूँगा। और एक सिलाई से आपने कच्चा करना है और उसके बाद शोल्डर की सिलाई लगानी है आपने इस तरीके से पक्की लग। तो इस तरह आपका गला जो है वो बैक साइड से फिनिशिंग से बन जाएगा। बैक का गला आपने ऊपर रखना और फ्रंट का नीचे रखना, और इसके बाद बैक के गले की जो है सिलाई लगानी है किनारे पर। तो ये फ्रंट बैक तैयार हो चुका है। और ये देखें, आस्तीन पे मैंने इसी का बॉर्डर लगाया। आस्तीन पे मैंने थोड़ा चौड़ा बॉर्डर लगाया और दामन पे भी मैंने यही लगाया, लेकिन दामन का मैं शो नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए मैंने सिर्फ आस्तीन का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैजुअल यूज़ के लिए अगर घर में जो भी खवातीन पहनना चाहती हैं तो वो इस तरह डिज़ाइन बना सकती हैं, बहुत डिसेंट लगेगा अगर आपका प्रिंट अच्छा है तो। और इसके बाद ये मैं आस्तीन लगाऊंगा, तरीका देख लें आप, इस तरह आस्तीन लगा सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। 1/2 इंच का आपने दबाव लेना है आस्तीन लगाते हुए, और आस्तीन को आपने लूज़ रखना है, खींचना नहीं है। और ये फिर मैं साइड की सिलाई लगा के आपको चौक की फिनिशिंग पट्टी का लगाने का तरीका इस भी वीडियो में सिखा दूँगा। तो ये इसके चौक हैं, इसमें मैंने फिनिशिंग पट्टी जो है वो सेम कपड़े की लगाई है। 1 इंच मैंने इसमें चौक में दबाव रखा है, तो उसी हिसाब से आपने ये लगानी है, और लगाते हुए आपने खींचना नहीं है पट्टी को, नॉर्मल हाथ से लगाना है। दोनों तरफ एक एक किनारे की सिलाई से पहले कच्चा करना है और उसके बाद फोल्ड करके उल्टी तरफ आपने दूसरी सिलाई से इसको पक्का करना है इस तरीके से। तो ये देखें, चौक और दामन बन चुका है। ये पट्टी फिनिशिंग पट्टी लगा लिया करें, इससे जो है दामन का लुक अच्छा आता है। तो ये इसका फाइनल लुक है और ये रेडी हो चुकी है। और ये आप गला देख लें। तो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।